नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। तो रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में महाराष्ट्र मंडल जगदलपुर ने महाराष्ट्र दिवस मुख्य रूप से मनाया गया। इस दौरान महाराष्ट्र महिला मंडल की अध्यक्ष अलका श्रोती ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि भारत देश स्वतंत्र होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग भाषा के अनुसार राष्ट्रों का गठन किया। इसी कड़ी में 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का स्थापना भी की गई। नमस्कार, महाराष्ट्र मंडल की ओर से मैं अभय अम्बेकर आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र मंडल की अध्यक्ष सौ अलका श्रोती और श्री किशोर श्रोती। मैं चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र दिवस के बारे में आप दो शब्द बताएं। आज 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। उसके पहले में बॉम्बे स्टेट करके हुआ करता था, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिले हुए थे। तो भाषाई आधार पर फिर महाराष्ट्र को अलग किया गया। वहीं जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ निगम पार्षदों ने बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार के ट्रांसफर पर उनके सम्मान में विधायी समारोह का आयोजन किया। उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट की गई। इस मौके पर कलेक्टर चंदन कुमार ने अपने 10 महीने के कार्यकाल पर कहा कि जो भी कार्य किए उसके लिए क्षेत्र के विधायक पार्षदों अधिकारियों के बिना संभव नहीं था। आगे विधायक और पूर्व कलेक्टर ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं यहाँ पे मेरा जो कार्यकाल रहा वो काफ़ी स्मरणीय रहेगा। मुझे यहाँ पे पूरे बस्तर वासियों का भरपूर स्नेह मिला, प्यार मिला और उनका सहयोग मिला। और चाहे वो माननीय विधायक जी हो, चाहे वो यहाँ पे सभापति महोदया हो, सभी शहर के वार्ड पार्षद हों, पंचायत निकाय के जो लोग हैं, सभी से भरपूर सहयोग और साथ मिला। और यहाँ पे मैं जो भी थोड़ा बहुत कुछ कर पाया, किसी भी क्षेत्र में कर पाया, उसमें मैं 99% क्रेडिट इन्हीं महानुभावों को देता हूँ। अगर इनका सहयोग और साथ नहीं होता तो शायद ये कार्यकाल अच्छा, इतना अच्छा शायद नहीं हो पाता। लेकिन निश्चित तौर पर जो मेरी अपेक्षाएं थी उससे कहीं अच्छा ये कार्यकाल रहा। और निश्चित तौर पर मैं यहाँ की बहुत अच्छी यादें लेकर जा रहा हूँ। और जब कभी भी मैं पीछे मुड़ के देखूँगा तो जो यहाँ के लोगों ने मुझे आदर दिया है, सम्मान दिया है, प्रेम दिया है, वो उसको मैं कभी भुला नहीं सकता। सर, आज शहर विधायक और पार्षदों ने आया। हमारे श्री चंदन कुमार जी कलेक्टर बस्तर, जो कि लगातार विगत 10 महीने से बस्तर में रहे और सबको एक परिवार की तरह लेकर विकास कार्य को अच्छी तरीके से संपन्न कराते रहे, और आज उनका ट्रांसफर हुआ है। वो बलौदा बाजार के कलेक्टर बन के जा रहे हैं। और स्थानांतरण तो एक नियमित प्रक्रिया है जो चलती रहती है, और एक अच्छे प्रशासनिक अफसर होते हैं, उनको शासन जो है अपने हिसाब से प्रतिस्थापनाएँ करते रहता है। हम सब आज उनके इस पूरे कार्यकाल को बहुत अच्छा कार्यकाल समझा हम लोगों ने, और आज उनके जाने के अवसर पर हम लोग मुलाकात करने आए, उनको भविष्य की शुभकामनाएँ दिए और उत्तरोत्तर प्रगति करें और छत्तीसगढ़ में अपना नाम को रोशन करें। वहीं अगली खबर जगदलपुर से है, जहां कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के समीप धुड़ मारास में इको विकास समिति ने काया किंग की शुरुआत की है। अब बस्तर आने वाले पर्यटकों को एक नया रोमांच का अनुभव मिलेगा। कांगेर नदी में ये गतिविधि का संचालन इको विकास समिति के माध्यम से किया जा रहा है। काया किंग के लिए पर्यटकों दरभा रोड से पैदावाड़ा बैरियर से होते हुए धुड़ा माराम पहुंचेंगे। काया किंग के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क 100 रुपये रखा गया है। दंतेवाड़ा जिले के समस्त ब्लॉकों में हरा सोना के नाम से मशहूर तेंदुपत्ता की खरीदी शुरू हो गई। तेंदुपत्ता की खरीदी के लिए दंतेवाड़ा वन मंडल में 7 समितियां गठित हैं और इन 7 समितियों में 11 लॉट्स हैं, जिनमें 4 समिति में तेंदुपत्ता की खरीदी चालू हो गई है और बाकी 3 समिति में भी जल्द ही खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। दंतेवाड़ा वन मंडल में 15 अप्रैल से जो तेंदुपत्ता की तोड़ाई शुरू हुई है, और दंतेवाड़ा वन मंडल के अंदर 7 समिति हैं, 7 समिति में 11 लॉट्स हैं। तो 11 लॉट्स में जो अग्रिम वेतन नियुक्त किए गए, उसमें से 4 समिति में तेंदुपत्ता तोड़ाई शुरू हुई है और जल्दी
बाकी समिति में भी पत्ता तोड़े शुरू किया। ग्रामीण बहुत उत्साह है और ग्रामीण बहुत ही अच्छी तरीके से पत्ता तोड़ाई अभी शुरू कर दिए हैं और अभी तक अपना मतलब लक्ष्य था 19,200 मानव बोरा, अभी तक 2,000 मानव बोरा की तोड़ाई हो गई है। वही अगली खबर दंतेवाड़ा से है जहां वॉक पर निकले व्यक्ति की लाश रेल की पटरी पर मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। पूरा मामला किरंदुल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक अनिल गोयल किरंदुल के नजदीक रेलवे ब्रिज के पास से गुजर रहे थे, इसी दौरान रिवर्स हो रही ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ गई है, जिसके चलते 1,083 स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर गए हैं और जिले के सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद हो गई है। जिला अस्पताल के साथ साथ 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 76 उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवा की इस हड़ताल का सीधा असर पड़ रहा है। कर्मचारी कोरोना भत्ता और अन्य 19 मांगों को लेकर हड़ताल पर है। बीजापुर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को लेकर नक्सलियों की दक्षिण सब जोनल ब्यूरो प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गुड गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की सदस्यता चलाते हुए मजदूर विरोधी कानून तैयार किया जा रहा है। मजदूर विरोधी कानून को 44 से 4 बना दिया गया। देश के अधिकांश सरकारी संस्थानों को प्राइवेट में बेचा जा रहा है। बीजापुर में अपने अधिकारों को लेकर जिला स्तरीय आदिम तेलंगा समाज की 3 दिवसीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके दूसरे दिन पर आदिवासी परंपराओं की झलक दिखी। तेलंगा के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद अपने अधिकारियों और आदिवासी आरक्षण की मांग को लेकर समाज की एकजुटता दिखी, जिसमें समाज के पुरुष, महिला, युवा, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोगों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आयोजन के दूसरे दिन अन्य समाज के लोग और क्षेत्रीय विधायक, बस्तर प्राधिकरण उपाध्यक्ष विक्रम शाह मंडावी के साथ जनप्रतिनिधि शामिल हुए पहुंचे हुए हैं। लगातार हम लोग विधायक महोदय के थ्रू शासन तक, मुख्यमंत्री तक बातें पहुंचा रहे हैं और इसमें हमारा मांग यही है कि हमारे जो संस्कृति है उसके आधार पर अध्ययन किया जाए। अध्ययन करके उसके बाद जिस कैटेगरी में हम शासन निर्णय लेता है उसमें बैठाया जाए, लेकिन हम लोग पिछड़े वर्ग के लायक नहीं हैं। हमारा कोई भी रीति नीति रिवाज पिछड़े वर्ग से मिलता जुलता नहीं है। पूरा तेलरा समाज जो बीजापुर जिले में आदिम समय से यहाँ पर रह रहे हैं और लगातार उनके इस पूरे सम्मेलन में तेलरा समाज के जो यहाँ पर प्रदर्शनी हुआ है और बहुत बड़े मात्रा में सभी समाज के लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तेलरा समाज की जो आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है, इन मांगों को लेकर मैंने समाज के साथ में समाज की बातों को शासन के मुखिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को भी। बीजापुर जिले में पहली बार पहुंची महिला आयोग सदस्य बालो बघेल ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से लगातार मामलों में कमी आ रही है। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।